हा ग्राउंड में आपने साफ सफाई की है तो अच्छा लगा हमें। जो कोणी टाका लगे ना तो त्यांना मी आता मनाच करेन। आमच्या घराबाजूचा कचरा साफ केला, ताप डेंगू वगैरे होते म्हणून कचरा उचलून डस्टबिन में टाकावे। कचरा फेंकने से अपने घर में मच्छर आके मच्छर से डेंगू हो जाता है, फिर अपनी तबीयत खराब भी हो जाती है। हमने घर को साफ रखना चाहिए। काजवा मध्ये आपण स्वच्छ भारत अभियान सुरू करूया। काजवा मीन्स व्हॉट आपण डिफाइन नाही करू शकत, खूप टाइपचे इव्हेंट्स असतात। जे भारताचे पंतप्रधान आहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, त्यांनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केले आहे। देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी जो अभियान सुरू केला होता, आम्ही थोडेफार प्रयत्न केला गाव साफ करण्याचा। आज हम इस बहादुरा गाव में आके इस जगह की हमने साफ सफाई की तो हमको बहुत अच्छा लगा कि जब हम आए थे तो यहाँ पे कितना कचरा था। या गावा मध्ये आम्ही एक असा एरिया चूज केला, वहाँ पे कचरा था, कुआ दिया गया था छोटा सा, वहाँ पे कचरा ना फेंकते हुए वो लोग आजू बाजू में कचरा फेंकते थे। कचरा पेटी पूर्ण रिकामी आहे। वो कचरा कलेक्ट करके बैग्स में भर के हमने जहाँ पे फेंकना था वहाँ पे फेंका। और अब ये देख रहे थे थोड़ा फ्रेश एरिया लग रहा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट इथे आता लहान मुलं खेळू शकतात, प्राणी येऊन हे पण करू शकतात, पण इथे काकू लोक आणि काका लोकांनी इथे कचरा नाही टाकायला हवा, हे जास्त इम्पॉर्टंट। मला असं वाटलं की इथे जर आम्ही स्वच्छता करू बाकी लोकांवर याचा इफेक्ट पडेल। जे काही आता साफसफाई झाली इथे ते तसंच मी घरी जाऊन पण म्हणजे 10 लोकांना जे ज्यांनी पण सांगितलं मी ते ग्रुप बद्दल पण सांगते आणि काय होतं ते पण सांगेल आणि त्यांना पण इन्स्पायर करेल। एम ठेवायचं आपला जो इंडिया हा नंबर वन असला क्लीन असलेला पाहिजे। मुझे एक इंस्पिरेशन मिला इससे, जो गाँव में रहते उन्होंने गंदगी करने में ज्यादा ये लगता है कि आप कम से कम गंदगी करो। अपने घर का कचरा लोग सोचते हैं कि आप सिर्फ अपने घर के बाहर होना चाहिए, लेकिन ये गांव के लोगों की सोच थोड़ी बदलनी चाहिए। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाया जिससे सोशल वर्क किया जा सके। हम ये किसी के लिए नहीं करते, हम सिर्फ अपने लिए अपने देश के लोगों के लिए करते। क्यों? क्योंकि इससे अगर ये स्वच्छता अभियान है तो इससे स्वच्छता मिलेगी। आज मैं आजपर्यंत घरात नहीं केलं। लहान मुलांचा सपोर्ट जास्त इम्पॉर्टंट असतो। छोट्या छोट्या मुलांनी आम्हाला पाहून त्यांनी कचरा उचलला ते आम्हाला खूप छान वाटलं। लहान मुलांनी सुद्धा आम्हाला सपोर्ट केला आम्हाला कचरा उचलण्यात आणि तो जमा करण्यात, त्यामुळे आम्हाला त्यांचा छान रिस्पॉन्स मिळाला। इन्स्पायर होकर कुछ छोटे छोटे बच्चों ने भी हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं उनका अप्रिशिएट करता हूं। मैं इसी गांव में रहता हूं, मेरे घर के पास में बहुत कचरा पड़ा था, सारा यहां वहां का कचरा उठाया डस्टबिन में डाला, ये सब काम तो ग्राम पंचायत का है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, फर्स्ट इवेंट था हमारा सक्सेसफुल हुआ है। और ऐसे इनिशिएटिव यानी इवेंट्स में मैं और पार्टिसिपेट करूंगा, प्राउड फील होता है, मला फार गर्व होऊन राहिला। स्वच्छ भारत अभियान खूप फार सक्सेसफुली पार पडलेला आहे। काजवा ने खूप एक चांगला काम केला आहे, काफी लोगों ने हमारी हेल्प की है, ये आमची पहिली सुरुवात आहे। आम्हाला छान रिस्पॉन्स मिळाला, आम्ही प्रयत्न करू की अजून काही इव्हेंट्स आम्ही असे करू। मी अपना 100% देना चाहता हूं और अभी भी दे रहा हूं। ये काम करके खूप अच्छा फील हुआ, सर्व कचरा वगैरे उचलून चांगलं वाटलं आहे। तर आमच्या ग्रुप में इथे खूप चांगल्यानी मेहनत केली, आम्हाला सपोर्ट केला, त्याबद्दल मला खूप चांगलं वाटत आहे। हम लोग को लगता है की आगे और इव्हेंट्स बढेंगे हमारे, और ग्रुप मेंबर्स और बढेंगे, क्रू मेंबर्स बढेंगे, आणि प्लीज आम्हाला सपोर्ट करा फॉर द बेस्ट। आणि मी काजवाचे एक ऍक्टिव्ह मेंबर आहे, त्याविषयी पण मला प्राउड फील होते। आय एम द मेंबर ऑफ काजवा टीम, सोशल वर्क में जुड़े, नॉट फॉर फेम, फॉर अ गुड कॉज।